कुछ समय के पहले हम दानियल की किताब से तीन मुलाकातों के बारे में पढ़ने के लिए शुरू किया। उसमें से तीन ऐसे मुलाकातों को, दो ऐसे मुलाकातों को हमने देखकर खत्म किया है। ये तीनों मुलाकात के विशेषता इस प्रकार से है, इतिहास की घटनाओं को तो ये वर्णन कर रहा, बेबीलोन देश में क्या हुआ था उसके बारे में सब कुछ बता रहा, उसी के साथ में भविष्यवाणी भी है। मगर ये तीन मुलाकात जो दानियल को हुआ था उस समय के राजाओं के सामने, उस पर परमेश्वर के विषय में तीन ऐसे बातों को वर्णन किया गया, उसमें से दो बात हमने देख चुके हैं। ये तीन विषय वो है, परमेश्वर जो सारे सृष्टि सारे बातों को प्रकट करने वाला, ही इज द रिवीलर ऑफ ऑल थिंग्स, और दूसरा परमेश्वर सारे महिमा आदर और प्रशंसा की योग्य है। God who is worthy of all honor and worship। ये दोनों बातों को हमने देख चुके हैं। तीसरा जो आज हम देखेंगे ये है, परमेश्वर जो सारे सृष्टियों का न्याय करता है, God who is the judge of all। दो घटना जो हमने देख चुके हैं, दो मुलाकात वो नबूकदनेस्सर के सामने हुआ दानियल को, एक सुंदर रीति से वो दूसरी मुलाकात अंत होती है। राजाओं के ऊपर परमेश्वर का न्याय किस प्रकार से होगा, और हम देखते हैं कि वास्तविकता में वो राजा किस प्रकार से परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाया और परमेश्वर ने उसे आशीष पर आशीष से भरा, इसे हम देखते हैं। मगर ये तीसरा घटना में जब आते हैं तो यहां पर मनुष्य जाति के स्वाभाविक गुण को हम देख सकते हैं। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है, पहली जो दो घटना हुई है वो कोई साधारण घटना नहीं है। पहली मुलाकात होने के पहले बहुतों को हत्या हुई है, राजा बहुत गुस्सा और क्रोध से भरा हुआ था, और दूसरा घटना जब हुई उसने अपने मन में परमेश्वर की महिमा देने की बात, उसके प्रति आभारी होकर के रहने का, उसने अपने आप गमन से भर गया, और उस कारण से उसके ऊपर ऐसी एक न्याय आया जो कोई मनुष्य नहीं चाहेगा। और उस समय के इतने बड़े राजा, मतलब जिसको हम सम्राट कह सकते हैं, आज की भाषा में शहंशाह कह सकते हैं, उसके जीवन में ऐसे घटना हुआ तो कोई साधारण बात नहीं है, और उसके अंत किस प्रकार से हुआ उसे भी हम देखते हैं। ये जल्दी से कोई भूल नहीं सकते, मगर कुछ ही साल के अंदर वो दोनों घटना के प्रभाव खत्म हो गया। इससे हम समझ सकते हैं मनुष्य के जीवन में जब पाप प्रवेश किया तो वो पाप के असर कितनी गहराई से हुई है। निकालिए
दानियल की किताब 5 अध्याय एक पद से लेकर के 4 पद तक पढ़िए, हिंदी में जोर से पढ़िए। नबूकदनेस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों ने लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाखमधु पी पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। अभी एक नए राजा है यहाँ पर बेलशस्सर। ये बेलशस्सर जो है नबूकदनेस्सर का पोता करके मतलब ग्रैंडसन, इसे मतलब ज्यादा समय तो बिता है। नबूकदनेस्सर की मृत्यु जब हुई उसके बाद में जो राजा आया शायद उसका पिता होगा और वो नबूकदनेस्सर से बिल्कुल विरुद्ध में था हर बातों में। इतने कठोर रीति से उसने राज कर रहा था, अंत में उसे हत्या कर दी। उसके बाद में ये व्यक्ति अभी राजगद्दी में है। यहां पर क्या देखते हैं कि राजा ने एक बड़े जश्न तैयार किया, आयोजना किया उसके लिए और बहुत से लोगों को जो अपने दरबार में है उन लोगों को बुलाया, बड़े बड़े मंत्री अधिकारी और इन सभी लोगों को बुला करके। तो मतलब कितना बड़ा सेलिब्रेशन होगा, वो किस संदर्भ में उसे हम वचन में नहीं पाते हैं, तो इसलिए उसके बारे में ज्यादा हम ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम वचन से क्या बातें देखते हैं कि ये बेलशस्सर के मन के स्वभाव किस प्रकार से, इसे विभिन्न तरीका से हम इन बातों पर इन अध्याय में हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात है, अंग्रेजी में लिखा है कि बेलशस्सर द किंग मेड अ ग्रेट फीस्ट टू 1000 ऑफ हिज लॉर्ड्स एंड ड्रैंक वाइन बिफोर द थाउजेंड्स। आज भी इस 21वीं शताब्दी में एक प्रणाली है जातियों के बीच में, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं हमें पता नहीं है। ये बड़े बड़े कंपनी में कॉरपोरेट में भी ये एक नियम है, जो पार्टी को होस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया, हिंदी में समझते हैं तो ठीक है, वो अधिक पिएंगे नहीं। नियम वही है कि आपसे टोस्ट दोगे उसके बाद में आपको पीने का नहीं, बाकी लोगों को पीने। मगर यहां पर ये राजा खुद इनके साथ में आनंद उठाना चाहा और उसके परिणाम क्या निकला अब देख रहे हैं। नशा जब बढ़ने लगा तो दिमाग अंदर के विचारों को बाहर निकालता, ये जो पहले पीकर अभी सुधर गए हैं वो विश्वासी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, या पीकर लोगों के आसपास में रहने वाले लोग हर रोज रात को सुनते होंगे क्या क्या रहस्य बाहर निकलता है हृदय के अंदर से दिमाग से, है ना। इस प्रकार से उसने जब
उस प्याला से रुचि करके आनंद उठाना लगा। तो पद को पढ़िए थोड़ा। दागमधु पीते पीते वेत्सर्षण ने आगे दी, इस सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखलियों समेत उनमें पिए। यहाँ पर एक ऐसी बातों को पढ़ते, हमने अभी हितोपदेश की किताब से जब पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी बातें ये दाखमध्य के बारे में लिखा है। 31 अध्याय में ऐसे लिखा है कि मां अपने बेटे को सलाह दे रही है, राजाओं को दाखमध्य या कड़ा मध्य पीना नहीं चाहिए, क्योंकि राजा एक न्याय करने वाला व्यक्ति है, लोगों के भलाई के लिए उसे नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसके जो मन के विचार और दिमाग ठीक ढंग से रहना। और दूसरी जगह में उसी किताब में सुलेमान ने अपने बेटे को सलाह दे रहा। देखो प्याला में जब दाखमध्य रहता है उसकी सुंदरता को देख करके आकर्षित मत हो जाओ। ये जो फूड टेस्टर के जैसे वाइन टेस्टर्स भी रहते हैं जो बनाते हैं उस फैक्ट्री में, उनसे कभी मुलाकात होते तो पूछिए कैसे टेस्ट करते हैं, वो बताएंगे। वो प्याला के अंदर थोड़ा सा उसको डालते हैं तो वो प्याला का रंग को ही अलग कर देते हैं। और उसके बाद में मैं ये सब बातें बोलता हूं इसलिए अनुभव से नहीं बोला, ये क्या चीज है करके देखने के लिए, क्योंकि हितोपदेश की किताब में बार बार पढ़ते हैं क्यों ऐसे कहा करके। वीडियो है उसके लिए, आप यूट्यूब में देख सकते। उसको ऐसे घुमाते हैं हाथ से, इतना सा रहता है उसको घुमा के, उसके बाद में उसको देखते हैं, वो अलग किस्म से उनको नजर आता है। तो उसके बाद में उसको साथ में ऐसे ले आ करके उसका स्वाद कर लेते हैं, उससे वो विचार करते हैं ये क्या है। इस प्रकार से विभिन्न तरीकाओं से उसकी कह रहा है कि उसकी बनाए हुए तरीका और उनको अनुभव करके उससे उसको पीते हैं। और यहां पर वही बात है, ये राजा जब इस प्रकार से उस पर लगने लगा तो उसका दिमाग पूरा ये हो गया। अब उस कारण से उसने क्या कहने लगा, जो मेरे दादाजी, मतलब यहां पर यहूदियों के जो भाषा में ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, फादर इन लॉ, इन लोगों के लिए शब्द नहीं है, इसलिए उन्हें पिता, माता, पुत्र, बेटी ऐसी लिखा जाता। और उसने कहा कि मेरे पिता नबूकदनेस्सर जो यरूशलेम के मंदिर से सोना और चांदी के बर्तनों को लेकर आए थे, इसका मतलब उसको सब चीजें पता है, क्या आया क्या है खजाना में, सब कुछ पता। और ये भी हो सकता है कि उस मंदिर के उस बर्तनों की बनावट ही एक अनोखा तरीका से हो सकता है, और वो बहुत आकर्षित भी हो सकता है, उसके जैसे दूसरा नहीं भी होगा। इस कारण से वो एक गांव से एक विशेष बर्तन है, और उसको इन सारे हजारों लोगों के सामने रखकर उससे दाखमध्य पीते हुए अपने शान को प्रकट करना चाहता। इससे
उसकी हृदय की गहराई में भरी हुई घमंड और अरोगेंस को क्या कहते हैं नेपाली में, हमें हिंदी में शब्दकोश भी मैं जब आता तो रखो साथ में अरोगेंस, जल्दी से शब्दकोश में देख सकते थे, बहुत रुबाब हो सकता है। कितने घमंड से भरा हुआ व्यक्ति हो नेबुकदनेस्सर, जो बार बार इसराइल के ऊपर हमला करके वहां से जो भी चीजों को लेके आके रखता, और उसे कहा जाता है कि वो बहुत जो हिंसा से बड़े हुए राजा है करके कह सकता है। हम भविष्यवाणी की किताब में पढ़ते हैं किस तरीका से ये राजा नेबुकदनेस्सर ने जो असुर लोगों को खत्म किया, निनवे को किस तरीका से खत्म किया, होगा करके भविष्यवाणी किया उसी प्रकार से असुर लोगों से भी बढ़कर हिंसा थे भरे हुए लोग थे ये लोग, और उसने जो हिम्मत नहीं किया क्योंकि उसी को बोला गया ना तेरे राज जो है सोने के समान है मुख्य तौर पर, उसने भी घमंड से भरा हुआ था ये क्या मैंने कर दिया ये है वो है करके, मगर उसने कभी ये काम नहीं किया। पर ये व्यक्ति जो है कितनी गिराहट में चला गया अपने जीवन में देख सकते हैं, कमंडार रुबाब से भरा हुआ व्यक्ति था। और चार पद में पढ़िए, वे धगमग पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। जब नशा चढ़ने लगा आनंद होते रहे तब क्या हो गया, ये सारे लोग अपने अपने विभिन्न देवताओं को प्रशंसा करने लगे, जो मुंह सोना चांदी या पत्थर या लोहा से या लकड़ी से बनाए हुए होते, मतलब जीवित परमेश्वर के महिमा के लिए जो अर्पण किया हुआ है उसे जब मन के घमंड और रुबाब से भरे हुए परिस्थिति में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार के परिणाम होगा। हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े आशीष दिए हैं, पवित्र आत्मा को दुखित मत ठहरो करके वचन में लिखा है, मगर कितने बार हम छोटा हो या बड़ा हो ऐसे काम करते हैं, हमारा विवेक उससे हमें सताता नहीं है, हमें बहुत साधारण महसूस हो गया गलतियां, मगर उनकी निंदा बन गया। यहां तो मंदिर में रखी हुई है सोना चांदी के बर्तन है, मगर हमें पवित्र आत्मा निवास करने का एक योग्य पात्र परमेश्वर ने बनाया है, इसके अंदर क्या विचार धारणा रहता है, हर समय वो प्रकट नहीं होता, कभी कभी ऐसे समय पर वो बाहर निकलता हमारे सच्चे स्वभाव। ये पाप जो है हमें तो लगता है कि उसने फल खाने से पाप हो गया, मगर उसकी गंभीरता सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं। वो जब प्रवेश कर लिया तो इतना जल्दी झड़ लगा देता है, ऐसे चीजों को अंदर रख देता है, बार बार वो निकलते रहता। कभी आपने विचार किया दो वृक्ष करके क्यों
उत्पत्ति की किताब में बोला है, एक है जीवन के वृक्ष और दूसरा है भलाई और भलाई को बताने वाले ज्ञान वृक्ष। मतलब वृक्ष ऐसा है कि जो हम आंखों से देख नहीं सकते हैं ऐसी चीजों को लेकर के जमा कर देता है अपने जड़ा में, और जितनी बार आप डालियों को काटते जाइए फिर नया डाली आते रहता, अच्छे वृक्ष हो या खराब वृक्ष हो डाली आता रहता है, क्योंकि जीवन वहां पर उसका पूरा सारा जीवन है। इसी प्रकार से यह पाप की जरा जो है हृदय में ऐसी गहराई से जम जाता है, हमारे स्वभाव के अंतःकरण से बार बार उसकी बल को निकालते रहता। इसके जीवन में ऐसी तो हुई, और वो और उसके सारे लोग हजारों लोग एक साथ में निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे समूह में हमें बैठना भी पड़ता है, हमारे मन में कैसे विचार होता है उस समय पर विचार करके देखिए। जीवन में गमन की नशा जब बढ़ जाता है, ये गमन विभिन्न तरीका से आता। इस राजा को क्या हो गया, सबसे बड़ा सम्राट साम्राज्य के राजा है, हमारे जैसे कोई नहीं है, ऐसे हालात में था, इसलिए इस प्रकार के एक जो जश्न को उसने तैयार किया और उसको मना रहा है, और अधिकार के नशा चढ़ा हुआ है। ऐसे ही विश्वासियों के जीवन में विभिन्न तरीका के नशा आ जाता है, इसलिए तो बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को नम्र बनाओ, दीनता में रखो। प्रभु यीशु कृष्ण ने क्या कहा, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन। कहने का मतलब यह है कि हर चीजों में उनकी सहायता उनकी सलाह लेने की जरूरत है, मगर उन लोगों ने ऐसे काम को किया है जो किसी को मर्यादा नहीं देता है, मन में भय है नहीं है, इस प्रकार के हालात में पहुंच गए। पांच पद को पढ़िए, कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की से कोई हथौड़ा निकलकर भीबट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वचन कहता है कि उसी समय पर परमेश्वर कभी भी अपने महिमा को कोई व्यक्ति निंदा करना देख नहीं सकते हैं, उसके ऊपर तुरंत न्याय आया, और जहां पर उजाला है उस जगह में परमेश्वर ने अपने उंगली से लिखना शुरू किया। यहाँ पर वर्णन जो किया है उसको दोबारा पढ़िए उस बात को, कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कोई उंगलियां निकलकर दीवार के सामने राज मंदिर की दीवार के चुने पर उस लिखने लगी। राज मंदिर की दीवार के चुने पर मतलब दीवार में नेपाली में क्या लिखे हो, दीवार सिर्फ लिखा समझते हैं क्या है,
प्लास्टर के ऊपर चूने लिखा है। यहां पर लिखी हुई बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए। उंगली से लिखने वाला घटना कब पहला हुआ? मूसा के समय पर। किस पर लिखा गया? पत्थर पर लिखा। और दूसरा, प्लास्टर के ऊपर लिखने का घटना कब हुआ याद है? पत्थर से एक इमारत खड़ा करो और उसको अच्छी तरीके से प्लास्टर करो और उसके ऊपर लिखो, ये कब हुआ? यस, करेक्ट, याद है। जब कानन देश में तुम प्रवेश करोगे उसके सीमाना में तुम प्लास्टर करके एक इमारत खड़ा करके वहां पर परमेश्वर के नियमों को लिखो ताकि उसके अंदर जो प्रवेश करता है उनको पता होना चाहिए अंदर का नियम क्या है, इस देश में क्या चीज है, इसकी विशेषता क्या है। लोग जो भी आएंगे उनको पता होना चाहिए। अब यहां पर यह तीसरा है, इस देश को उजाड़ने वाले हैं परमेश्वर अभी उस न्याय को दिखाने के लिए दीवार के प्लास्टर के ऊपर, मनुष्य के हाथों से नहीं परमेश्वर की उंगलियों से। मनुष्य के हाथ की उंगली के तरह था और परमेश्वर खुद वहां पर उस न्याय को घोषित कर रहे हैं। तब राजा ने उसे देखा। सात पद पढ़िए, सात और आठ। तब राजा ने उसे सबसे पुकार कर मंत्रियों और अन्य भावी बताने वाली को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई ये लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहने जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। भी पढ़ा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझ सका, समझा सका। सात पद को जब पढ़ते हैं उसे वर्तमान समय में जो हाल में होता है यहाँ पर गलियों में सड़कों में उसको भी जरा देखिए, दोनों मिले मिलजुलते हुए रहे। जब नशा से भर जाता है वो क्या करता है उसको पता ही नहीं है, क्या कह रहा है उसको पता भी नहीं है, क्या कर रहा है उसको पता भी नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं ना, वो कुत्ता को भी अपना दोस्त बना करके उसके साथ में बैठ जाता है, अपने गले में सोने का हार होता तो भी उसको दे देता। ये सब नशा में, दिमाग जब ठिकाने में नहीं है ये सब कुछ होता। और ये राजा ने उसको देखते हुए बिल्कुल डर गया क्योंकि कभी उसने ऐसी घटना को देखा नहीं है। मगर हम पहले भी नेबुकदनेस्सर के विषय में देखने के समय पर हमने देखे कि ये लोग कोई बुद्धू नहीं है, बहुत बुद्धिशाली है, दिमाग बहुत तेज से इनका चलता है, जब तो राज को चला सकते हैं। दुष्ट होते हैं वो दूसरी बात है, मगर दिमाग में बहुत बुद्धिशाली, इसलिए उसने समझ गया ये कोई खास बात है, इसलिए वो डर गया। तुरंत उसने चिल्ला करके सारे जो ज्ञानी लोगों को बुलाने लगा, सब लोगों को बुला करके कहने लगा के इसको, जो व्यक्ति यहां पर लिखे हुए बातों को पढ़ेगा उसको अर्थ मुझे बताएगा उसे मैं बैंगनी वस्त्र, लिखा है ना, कैसे लिखा है, उसको पहनाऊंगा, सोने का हार दूंगा और मेरे राज्य में तीसरे स्थान पर अधिकार में मैं उन्हें रखूंगा। हमें लगता है कि
ये बैबिलोन देश का एक रिवाज लगता है। जब भी ऐसे कोई अनोखा बातों को बोलेगा तो राजा कहता है कि मैं उसे ऊपर उठा लूंगा। नबूकदनेस्सर ने भी किया इसी का, है ना, ऊंचे पद देना, उनको पुरस्कार इस प्रकार से दिया जाता है, उनको आदर और मान इस प्रकार से किया जाता है। और उसने कहा कि जितने भी लोग आए उस बातों को पढ़ नहीं सके, लिखी हुई बातों को, और उसके अर्थ भी बता नहीं सके, पढ़ नहीं सकते तो क्या उसका अर्थ बताएंगे। मगर विद्वान लोग कह रहे हैं कि लिखी हुई बात उनकी भाषा में थी, मगर अक्षर हिब्रू भाषा था, हमें पता नहीं है। शायद हो सकता है क्योंकि इसराइली लोगों को तो बहुत ही नीच समझाया जाता, उन्हें गुलामी के रूप में रखा जाता, इसलिए उनकी भाषा को कौन सीखेगा, उनकी भाषा के बारे में कौन ज्ञान देगा, कोई नहीं देगा। ये भी हो सकता है, जो भी हो, परमेश्वर के न्याय वहां पर तुरंत प्रकट हुआ, उसे कोई समझ नहीं सके। इस संसार के ज्ञान से परमेश्वर की योजना और उनके आने वाले न्याय को कोई समझ नहीं सकते। और कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, नस्तिक्षक आ सकते हैं मगर उसको पूर्ण रीति से अर्थ बता नहीं सकते। उसके लिए आत्मिक ज्ञान से भरे हुए पवित्र आत्मा के निवास जिसके हाथ जिसके पास है, वही व्यक्ति बोल सकता है, क्योंकि उससे उसके मनुष्य के उस मनुष्य के द्वारा बोलने वाले परमेश्वर, जुबान मनुष्य का है, आवाज परमेश्वर का होता है। अब कोई कुछ बोल नहीं सके, असफल हो गए। वह 8 पद को पढ़िए, 8 पद को तो पढ़े थे, 9 पद को पढ़िए। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। सब लोग डर गए हैं, सब लोग बहुत परेशान से भरे हुए लोग हो गए हैं, आनंद चला गया, वो सारे नशा के आनंद सब मिट गया, चिंतित है अभी क्या है ये चीज। 10 पद को पढ़िए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। 11 पद। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने रखा था, उसमें पवित्र यज्ञ की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, वैद्यों और अन्य भाविक बताने वालों का प्रधान ठहराया था। नेपाली में पढ़िए उसको, 10 और 11। अब राजा और तिनका प्रधान उनका वचनहरूको कारणले रानी भोजको घरभित्र आइन् अनि रानी बोलिन् र भनिन्, राजा अमरहुन, तपाईँका विचारहरूले तपाईँलाई विचलित नपारुन् न त तपाईँको चेहराको रङ नै होस्। तपाईँको राज्यमा एकजना मानिस छन् जसभित्र पवित्र ईश्वरको आत्मा छ, अनि तपाईँका पिताका दिनहरूमा तिनका ज्योति समग्र ईश्वरको बुद्धि जस्तै बुद्धि पाएको थियो। तिनलाई राजा नबुकदनेस्सर, तपाईँका पिताले जादुगर, ज्योतिषीहरू, कल्दीहरू र ज्योतिना हेर्नेहरूका प्रधान सिकाएका थिए। नेपालीमा और अङ्ग्रेजीमा बोल्छन् यसको, जैसे किया है उसको देखे। अब रानी आए, मतलब इसका माँ, ये तो वहां पर
दावत नहीं है, इसलिए वो वहां पर नहीं थी। मगर ये सारे बातें जब राजमहल में हल्ला हो गया, वो सुन करके इनकी परेशानियों को दूर करना, इसलिए वो वहां पर आए और आकर के उनसे कहा कि आप चिंता मत करो। क्यों? आपके राज्य में ऐसे एक व्यक्ति है। अब देखिए, कुछ ही दिन में दानियल की पहचान नहीं है वहां पर, नाम की पहचान नहीं है, कोई एक व्यक्ति है आपके, क्योंकि ये लोग परवाह नहीं किए उसे। समय जब बदलता है तो कुर्सी भी बदलता है, आदमी भी बदलते हैं, यही बात है यहां पर। मगर उस व्यक्ति के अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहता है। तुम्हारे पिताजी के समय पर रोशनी और समझ और ज्ञान के सारे बातें उसके द्वारा पाया गया, जैसे ईश्वरों के अंदर पाया जाता है। मतलब एक अनोखा एक व्यक्ति है तुम्हारे राज्य में, जिससे तुम्हारे पिता ने सारे ये जितने भी लोगों से आपने सलाह किया, सबके ऊपर एक प्रभुत्व के रूप स्थान में आपके पिताजी ने रखा था। मतलब उस देश के लिए जो बला सोच कर एक गुलाम होते हुए भी उनके लिए सही सलाहों को दिया, सही बातों को, परमेश्वर के संदेश को उनको बताया। उस व्यक्ति का आज स्तुति नहीं है इस देश, और ये कह रही है कि उसको बुलाओ, वो इसका अर्थ बताएगा। 12 पद को पढ़िए नेपाली में। किनभने यी दानियलमा सर्वोत्तम आत्मा, ज्ञान, समझ र पठनहरूको अर्थ खोल्ने क्षमता, कठिन कठिन कुराहरूको अर्थ बताउने क्षमता र जटिल जटिल गाठाहरूको फुकाउने क्षमता पाइन्थ्यो। यिनलाई राजाले बेल्थ सर्जर भन्ने नाम दिनुभयो। अब यी दानियल बोलाइन् र तिनले अर्थ बताइदिनेछन्। अब देखिए, सारा इतिहास को दोहराना पड़ता है, इससे हम समझ सकते हैं ये राज्य कितने जल्दी परमेश्वर का अनुग्रह को भूल गए। उनके सामने उस अनुग्रह को ले आने वाले व्यक्ति को भी भूल गया। यहां पर वो कहती है कि दानियल, जिसको तुम्हारे पिताजी ने बेल्तशासर करके नाम दिया है, उस व्यक्ति को लेकर आओ और ये दानियल इसके बारे में बताएगा तुझे। मतलब ये कौन सी देश से इसको शादी करके लेके आके रानी बनाया, हमें पता नहीं है, उसी देश का है या कहाँ का है पता नहीं है, मगर इस स्त्री को सारे इतिहास याद है और वो इस बात को ध्यान में रखी है कि हमारे देश में ऐसे एक व्यक्ति है जो सबसे उत्तम ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है, जो ईश्वर से अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है। उनके लिए तो जीवित परमेश्वर तो कोई काश नहीं है, सभी ईश्वरों के तरह ही मानते हैं, मगर उनके चमत्कार को एक अलग प्रभाव देते हैं। मतलब फॉरगॉटन मैन एंड फॉरगॉटन ग्लोरी, ये भी हो जाता। जब भी कलीसिया के इतिहास को पढ़ेंगे, यही बात है। इसराइल के इतिहास को पुराने नियम में पढ़ेंगे, यही बात है। पुराने चीजों को भूल जाते हैं जल्दी, दोबारा उसे स्मरण करना पड़ता है, तब पुनर्भाव होता है। मेरे लाइब्रेरी में एक किताब है पुष्पा, जो कलीसिया के इतिहास में विभिन्न विभिन्न समय में परमेश्वर के अनुग्रह से, जो अंग्रेजी में कहते हैं रिवाइवल करके आया, उस पर एक भाग है
जो 1800 से 19 के बीच में इंग्लैंड देश में रिवाइवल जब आया था, और उस पर से ये जो आज ब्रदरन करके कहते हैं प्लिमथ ब्रदरन, उनकी जो वहां पर शुरुआत हुई थी, उसके बारे में एक व्यक्ति ने लिखा है और उसका टाइटल उसने दिया कि बैक टू न्यू टेस्टमेंट, नया नियम की ओर जाए। मतलब बार बार याद करना पड़ता है, इसलिए तो वचन को बार बार पढ़ने के लिए कहते हैं। यहां पर उस देश के ऊपर इतने बड़े स्थान पर नबूकदनेस्सर राजा रखे हुए व्यक्ति को ये राजा जानता भी नहीं है। आज ऐसे ही कलीसियाओं में होता है, बहुत अच्छे अच्छे सेवक लोग, बहुत अच्छे अच्छे जो सत्यता को सरल रीति से समझाए हैं और बहुत परिश्रम किया है, और उनके दिव्य संदेश को भूल जाते हैं, अगर उस बात को स्मरण करना पड़ता। अब इस 16 पद को पढ़िए। अनि तिमीले अर्थ रूप खोल्न र जटिल जटिल काका रूप पुकाउन सक्छौ भने मैले तिम्रो विषयमा सुनेको छु। अब तिमीले यो लेखा पढ्न र मलाई यसको अर्थ बुझाउन सक्यो भने तिमीलाई व्यञ्जनी वस्त्र पहिराउने छ, तिम्रो गलामा एउटा सुनको चिप्ली लगाइनेछ र तिमी राज्यमा तेस्रो शासनकर्ता हुनेछौ। उसने दोबारा उसको भी यही बातें बोल रहा कि मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। उसको एक तरफ से चिंता है ये कोई गंभीर बात है, ये मेरे से संबंध है, और दूसरी तरफ से वो रिश्वत देना चाहता ताकि इस ये जो मैं कहूंगा इसे खुश होकर के मुझे बता दे। ये संसार के स्वभाव है। 17 पद को पढ़िए। तब दानियल ने जवाब दिए राजा को सामू बने, तपाई का दान तपाई संगे रहने तपाई का इनाम चाहे अब कसरा दिनुहोस्, तैपनि म यो लेख राजा को निम्ति पढ़ीदिने छु र उहाँलाई यसको अर्थ बुझाइदिन्छु। उसने राजा को बोला आप अपने चीज अपने पास में रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको पता होना है ये क्या है, मैं बता दूंगा, मुझे ये पुरस्कार वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं। आत्मिक व्यक्ति कभी भी प्रशंसा को खोजी नहीं करे, उसको नाम अधिक लिया जाए वो कभी खोज उसकी खोज नहीं करेगा। ये संसार के तरीका, मेरे कर्तव्य जो परमेश्वर के होर से है मैं उसे करते रहूंगा। मगर इसको ये भी बात पता है दानियल को, ये राजा परमेश्वर का आदर नहीं करता, इसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए तो उसके हाथ से कुछ लेना भी उसने पसंद नहीं किया होगा, नहीं चाहिए। और 20 पद से वो इस बात को पढ़ता है, बताता है उसको परमेश्वर के व्यक्ति के हृदय में किस प्रकार से विचार होना चाहिए और वो उसे किस तरीका से प्रकट करना चाहिए। हिम्मत था उसके हाथ में, और ये बातें अभी कह रहा है 22 पद में, पढ़िए। अरे तपाई चाहिँ वहां के छोरा हो छोरा एक बेलसजर जो पूरा यो सब पूरा जानेर पनि तपाईले आफ्नो हृदय नम्र दिलाउनु भएको छैन। यहाँ पर 22 पद में कहता है तुम उस नबूकदनेस्सर के परिवार से आए हो। कौन नबूकदनेस्सर? जिसने घमंड से भर गया था, उसके हृदय बहुत उठ गया था उसके शान के कारण से, और उसे परमेश्वर ने इस प्रकार से गिराया, वो एक जानवर की तरह रहना पड़ा। ये सब चीजें तो भूल गया, ये कोई साधारण बात है? और ये सब कुछ जानते हुए भी तुम उसी का परिवार से आते हुए भी तुम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने नम्र नहीं रखा, और कहता है तुम्हारे ऊपर न्याय आ रहा और तुम्हारे देश आज ही निकल जाएगा तेरे हाथ से और तुम्हारा हत्या होगी।
सुनने के बाद में भी 29 पद को पढ़िए, 29 पांच का 29 उनको गला में एउटा सुनको सिक्री लगाइ दिए अनि राज्यमा उनी तेस्रो शासन शासनकर्ता हुनेछन् भने तिनको घोषणा तिनको विषयमा घोषणा गरे। दानियल माने या नहीं माने, उसने सारे न्याय उसके ऊपर होने वाला उस बात को सुनने के बाद में भी उसने जाकर के उसको ये जो कुछ भी उसने अपने जुबान से कहा वो सब कुछ किया दानियल। मगर एक बात यहां पर देख, ये राजा सिर्फ जो अंग्रेजी में कहते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड, गमन से भरा हुआ, अपने ही मतलब ही से है, कोई परवाह नहीं है। अब उसके तुम्हारे हत्या आज होने वाला, तेरा राज आज तेरे से जाने वाला है, फिर भी उसके मन में यह विचार नहीं हुआ कि जीवित परमेश्वर के सामने नम्र बन जाओ। नहीं, कबर को सुना और जो मुख से कहा मैं ऐसे करूंगा करके उसको कर दिया। तीस पद में इसी बात को पढ़ते हैं कि उसे हत्या किया गया। मुझे इसके अंत में एक बात मैं बताना चाहता हूं, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने इस घटना को पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया। तुम जब नहीं सोचे होंगे ऐसे समय पर मैं तेरे ऊपर न्याय लेके आने वाला हूं, सब कुछ खत्म हो जाए। यिर्मयाह की किताब में और वही बात यहां पर पूरा हुआ। इस घटना से हमने किस बात को देखते हैं, परमेश्वर की नजर से कोई चीज छूटती नहीं है। वही परमेश्वर है आज भी इस संसार में, वो न्याय करता है, वो धर्मी है, ठीक न्याय ठीक धर्म को स्थापित करेंगे अपने समय पर। जो मनुष्य ने विचार भी नहीं किया होगा ऐसे समय पर वो अपने न्याय को करेंगे। मगर हमारा कर्तव्य क्या, हम उनकी प्रजा होने के कारण से उनकी वचनों को हमेशा पढ़ते हुए और उससे पाए हुए ज्ञान के अनुसार नम्र और दीनता से अपने जीवन को सही रास्ते पर रखना, इसको स्मरण रखिए। बेलशाजर की तरह हमारा जीवन उसकता है विश्वासी होते हुए भी। कलीसिया के इतिहास के पन्नों को मोड़कर देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर से अपने नजर को हटाकर परमेश्वर के ओर से दी हुई आशीष और शान के ऊपर जब नजर लगाने लगे तो सब कुछ परिवर्तन हो गया। उनके की हुई किसी काम का कोई मतलब नहीं रहा। जिस राष्ट्र को, जिस साम्राज्य को परमेश्वर ने तुम सोने के समान है करके कहा है, वो कहां है आज? अगर जिस परमेश्वर को छुने हुए लोग ही जो ठुकराए और जिस उद्धार करता को ये हमें नहीं चाहिए, हमारा राजा नहीं है करके जो कहे हैं, वो कहां? आज भी वो जीवित है, उनकी प्रभाव है, उनकी वचन आज भी जीवित है। इसे हम स्मरण रखें और मैं समय अगुवाई करें।